बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद माजी एंड व्लॉग। तो भाई, हम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं एक नई ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। और आज हम लाए हैं माजी के हाथों से तैयार करदा ज़बरदस्ती फक्की, जिसे हम कसूरी वगैरह भी कहते हैं। पेट दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, बहुत ही हाजमेदार है। तो भाई, आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो जी व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके प्यार और मोहब्बत की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पर दिखाई जाने वाली वो तमाम अज़ा हैं जो कि हम फक्की में इस्तेमाल करने वाले हैं। चलते हैं और इनका इंट्रोडक्शन भी आपसे करवाते हैं। सामान दिखाने वाला हूँ। जी व्यूअर्स, फक्की बनाने के लिए हमें चाहिए हसबे ज़रूरत 50 ग्राम सफ़ेद नमक, 50 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम आमचूर और 50 ग्राम ज़ीरा, 50 ग्राम टाटरी, 50 ग्राम लाल नमक, 50 ग्राम काला नमक और 50 ग्राम अदरक पाउडर, 50 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम ठीकरी निशादर, 50 ग्राम लाची दाना और 50 ग्राम पुदीना सूखा पुदीना। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पर मियाँ अब्दुल वहाब ने थोड़ी सी मेरी हेल्प की, तो मैं भी आपसे दोबारा शेयर करती हूँ। यहाँ पर हमने सफ़ेद ज़ीरा, आमचूर, काली मिर्च, सफ़ेद नमक और इसके साथ हमने ली सौंफ, अजवाइन, साबुत अदरक जिसे कि खुश्क किया गया था, इसे अच्छे तरीके से हम पीसेंगे। और यहाँ पर मौजूद था हमारे पास काला नमक, सुरख नमक, सूखा पुदीना और इलायची दाना, ठीकरी नसादर और तमाम चीज़ें जो हैं वो हमने 50 ग्राम ली हैं। और इन तमाम चीज़ों को भाई माँ जी अच्छे तरीके से मिक्स करने वाली हैं। खुले बर्तन में तमाम चीज़ें जो हैं वो डाल दी जा रही हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और ज़ायकेदार जो है कसूरी यानी कि फक्की वगैरह तैयार की जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह, ये माँ जी ने पहले भी बनाई थी और बहुत ज़्यादा मुफीद और फ़ायदा इसने दिया था, तो दोबारा बनाई जा रही थी। तो मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स के साथ भी इस रेसिपी को, इस फक्की को हम शेयर करते हैं, ताकि घर में ही बीमारी, छोटी मोटी बीमारी हो, पेट दर्द हो, लूज़ मोशन हो या हाजमा ख़राब हो, तो ज़बरदस्ती ये फक्की जो है घर में ही तैयार कर इस्तेमाल की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स कर ली गई हैं और इन्हें हम देसी तरीके से यानी कि दोरी डंडे में पीसेंगे। ग्राइंडर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जो देसी चीज़ों में मज़ा है वो मशीन वगैरह से नहीं होता। और वैसे भी ये चीज़ें अगर दोरी डंडे में पीसी जाएं तो ये ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। और माशाल्लाह जी, माँ जी लगे हुए थे पहले काला नमक, सफ़ेद नमक और ठीकरी नसादर, तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स किया जा रहा था और ज़बरदस्ती फक्की जो है वो रेडी की जा रही थी, जिसमें मेरा भाई मियाँ हाफिज़ जिशान अली साहब जो हैं वो माँ जी के हेल्प कर रहे थे और ज़बरदस्ती फक्की को रेडी कर रहे थे। उम्मीद है कि भाई आपको आज का हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके साथ साथ जी, मैं अपने व्यूअर से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।